तहसील के जैसे हो जो मेरे लिए और क्या खुशकिस्मती है। थैंक यू मलाइका काशी अब तो आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे कि मैं अपने स्टूडेंट के घर पहुँचने वाली हूँ, तो उधर जाके कुछ मेरे कपड़े शपड़े अपने चेंज करने हैं वो करूँगी और फाइनली हमारा व्लॉग इधर से शुरू हो गया है। तो वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू मेरे व्लॉग में सबका। आपको मैं आज इवेंट दिखाऊँगी और मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और मेरे हमारी फील्ड में मेरी बेटी थी, वो मेरी दोस्त भी है चिड़िया क्वीन, और जिसकी आज बर्थडे है, जिसकी बर्थडे पे मैं जा रही हूँ आज, और अल्लाह पाक उसको ढेर सारी खुशियाँ ता फरमाए, खुशियाँ दे बच्ची को बहुत ज़्यादा। तो हालांकि मैं नहीं जाती, मैंने बहुत कम कर दिया आना जाना। आपको पता है कि मैं इस फील्ड से बहुत ज़्यादा निकल चुकी हूँ और निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है और निकल भी गई हूँ, ठीक है ना। लेकिन ऐसी कुछ जो मेरी दोस्तें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं कि प्लीज़ पिंकी शॉप आ जाए, तो वो मैं थोड़ा सा देख के फिर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा गुजरा है। तो मैं चाहती हूँ कि चले इसी बहाने मेरी सबसे मुलाकात हो जाती है, और जिनके साथ मैं इवेंट करती थी, जिनके साथ मैं शोज़ करती थी, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं उन लोगों से मिलती हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो इसी बहाने मेरा भी दिल करता है मैं थोड़ा सा इसी बहाने उनसे मिल लूँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं टाइम थोड़ा सा अपनी सहेलियों के लिए निकालती हूँ। तो मैंने देखो वाइंड अप फील्ड को किया है, तो लेकिन जब सहेलियों का कोई इवेंट होता है तो मैं उधर भी नहीं जाती, लेकिन कुछ ऐसे जो दिल के करीब होती हैं और जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा होता है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको थोड़ा सा टाइम हमें थोड़ा सा देना चाहिए, अपनी इतने कीमती वक्त से उनके लिए इतना सा टाइम होना चाहिए जो मैं आज जा रही हूँ। फिर आपको चलते हैं आगे दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने स्टूडेंट के घर में, और ये मेरे स्टूडेंट का घर है, और ये हमारा गुंगा है। गुंगा को मिल आप नहीं नहीं आप ही अबू आप ही आप ही ये घर है मेरी स्टूडेंट का, और ये मलाइका है। मलाइका जरा इधर दिखाएं, जरा मेरे फैंस को जरा सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? आज हमारे पास पिंकिश आई है मैडम, और आप और ये अभी देखो, ये इसका प्यारा सा ड्रेस इस्त्री हो रहा है, अभी जब ये तैयार होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारी वानिया, है ना जी? वानिया, ये वानिया तैयार हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, करें कैसे हैं आप? ठीक है। ये जी वानिया है, और ये वानिया का हार और श्रृंगार खुला हुआ है जिसे बोलते हैं मेकअप किट, और ये मेकअप कर रही है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब लोग इस्त्री कर रहे हैं। ये मेरी स्टूडेंट का घर है, पहले जो मेरी स्टूडेंट थी अल्लाह पाक उसको जन्नत फरदोस में जगह था फरमाए, मेरी अलीशा प्यारी सी, तो मैं फर्स्ट टाइम उसको मिलने के लिए इस रूम में आई थी, मुझे बड़ा अच्छा सा याद है। उधर एक छोटा सा दिखना दीवान पड़ा था, तो उसने मुझे बुलाया था कि आप मेरे पास गुरु जी आए।
मैं आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज मैं फिर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये भी मेरी स्टूडेंट है, ये जो हमारी मलाइका है, और ये उसकी भी स्टूडेंट है, मेरी भी स्टूडेंट है। अब इसने घर बहुत प्यारा बनाया, मेरा दिल बहुत खुश हो गया इसके ऊपर। अल्लाह पाक इसको ऐसे ही बच्चों को इज्जत दे के रखे। ये फ्रेंड्स देखे मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और मुझे आप लोगों ने बताना है कि साड़ी में मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही, ठीक है ना। साड़ी तो वैसे मैं नहीं इस तरह क्योंकि मेरा ब्लॉग, क्योंकि साड़ी तो मैं अक्सर पहनती रहती हूँ। और ये मैंने बालों को थोड़ा करवाया, क्योंकि पीछे का गला मैंने काफी बड़ा नहीं करवाया, क्योंकि मुझे डीप गला इतना अच्छा नहीं लगता, और मैं इस तरह की साड़ियां पहनती हूँ। अब तो खैर से बहुत अरसे के बाद पहनी है, अदरवाइज मैंने छोड़ दी थी बीच में, क्योंकि मैं आपको पता है शो में बहुत कम आती जाती हूँ। और मैं जिसके शो में जा रही हूँ वो मेरी प्यारी सी दोस्त भी है, गुड़िया भी है, और इसलिए मैं आई हूँ। क्या कहते हैं अभी मलाइका, मलाइका आ जाए सर एक मिनट प्लीज। हानिया जी आ जाए, मेरे फ्रेंड्स को दिखाएं कि आप लोग कैसे लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये वानिया, हेलो कैसे आप, और बताएं वानिया कैसी लग रही है। माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है, बहुत सोनी लग रही है, जिसे कहते हैं ना, थैंक यू, जिसे कहते हैं सोनी सोनी, वो सोनी लग रही है। थैंक यू मलाइका काशी, अब तो आएंगे मलाइका। ये जी मेरी मलाइका, ये मेरी स्टूडेंट है प्यारी सी माशाल्लाह, और इसने देखो मेकअप बहुत अच्छा किया, इन दोनों ने मेकअप बहुत कमाल किया है। और हालांकि मैं मेकअप की तारीफ नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, और उन लोगों की करती हूँ जब मुझे पता चले कि मेकअप अच्छा हुआ, इनका बेस बहुत अच्छा हुआ, और इनकी आईज बहुत अच्छी बनी डिफरेंट, और इनके मेकअप के अंदर ये अपनी आईज बंद करें। तो देखिए इसने भी बहुत कमाल किया है मेकअप, और मैं इतना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी ये हैं हमारे मेकअप के लोग शीमेल, और वो माशाल्लाह मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बहुत अच्छा। कमाल मेकअप करते हैं, सुपर से भी ऊपर। मैं करती थी पहले अपना, लेकिन अब मुझे अपना नहीं आता, मुझे बोरों का मेकअप करना आता। अभी भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी थैंक यू, ये तो आप लोगों का प्यार है, आप बच्चे हैं, और लेकिन मैं कहती हूँ मेरी नजर में आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने तो उम्र गुजार ली अपनी, अभी आप यंग हैं। हाँ वो तो यंग हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नहीं मीठे नहीं, दूसरे सौंफ फीके नहीं है, मीठे नहीं, मीठे में नहीं खाती। ये देखो जी ये मेरा शर्गिद है तबले वाला, और वो लगा रही है मेरी मलाइका को नेल पॉलिश। कैसी है शानो? ठीक टीचर आप सुनाएं। कैसी है बेटा दबे, ठीक है आपकी? आपसे बात कर रही हूँ शानो। कैसी है, ठीक है? मैं ठीक हूँ। आजकल क्या काम कर रहे हो, किसे चला रहे हो? फंक्शन चला रहे हो या किसको चला रहे हो, मुझे तो बताओ। हाँ वाकई शरीफ हो गई हो, चल जो बंजर मलाइका था तो देखे आप। मलाइका भाई बड़े काम कर रही है माशाल्लाह, ये वानिया खड़ी उस्ताद की तो जोगनी सिद्धि हो रही, बाजी क्या करिए फिर। दिखाना साथ अपनी अंगूठी, बहुत प्यारी साथ ने अंगूठी बनाई है, बनवाई है बहुत प्यारी। ये देखो जी गोल्ड में बनी हुई है और बहुत प्यारी, और वजनी, लेकिन मैं कहती हूँ ये तुम्हारे सुनारे ने बहुत अच्छी बनाई है, रिंग्स अच्छी बनी हुई है। और ये हमारा पोला है, पोले तरह के सलाम तो कर, नहीं नहीं सलाम कर, ये पोला मेरा बच्चा है। और जब मैं फंक्शन करती थी पोला छोटा सा होता था, बोले कितना सा होता था, मानी भी छोटा सा होता था, क्या कहते थे उससे, मानी आता था हमारे पास, आता था मानी, आता था ना, ये मानी है, क्या काम करता है बता मानी, क्या काम करता है। ये हमारे बच्चे हैं चुकनेजर हमारे, ये हमें संभालते हैं सबको। ये वानिया खड़ी है उस्ताद की जोक सीधी कर रही है स्ट्रेटनर के साथ, और ये हमारी बच्चियां खड़ी है पीछे, अम्मा खड़ी होते वो छुप गई, अम्मा होते कुआरी माइयों की तरह छुप गई, हाँ कुआरी खड़ी। ये मेरी गुंगी है, इनसे मिलके मेरा बहुत दिल खुश हो गया है, ये मेरे पुराने खिदमत करने वाले लोग हैं। और ये गुंगी छोटी सी थी जब मेरे पास आई थी, तो ये बहुत बहुत छोटी सी थी जब मेरे पास आई, दिखूंगी अब देखो माशाल्लाह काफी बड़ी हो गई है। हाँ।
Thank you.
सबका दिल ले जाऊं जो ऐसी चीड़ी।